और चलिए अब आपकी मुलाकात कैराना के अजीम मंसूरी से करवाते हैं। मंसूरी 2.5 फुट के हैं और निकाह अजीम मंसूरी की अधूरी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है। अपनी जिस तमन्ना के लिए अजीम सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक से गुहार लगाते रहे, उनकी वो मुराद बुशरा बानो के रूप में अब पूरी हो चुकी है। ढाई फुट के अजीम की पूरी हुई मुराद, अजीम मंसूरी की बज गई शहनाई। 2.5 फुट के अजीम को मिल गई 3 फुट की दुल्हनिया। बुशरा बानो और अजीम की रब ने बना दी जोड़ी। सिर पर सहरा, बदन पर शेरवानी और चेहरे पर खिली मुस्कान। कुछ इस अंदाज में अजीम मंसूरी अपनी दुल्हनिया को लेने घर से निकले। जिस शादी के लिए थाने के चक्कर लगाए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से लेकर सीएम योगी तक से गुहार लगाई, सलमान खान तक से दुल्हन तलाशने की अर्जी लगाई। अजीम की वो अधूरी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है। सालों पुराना वो सपना अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। अजीम मंसूरी की शादी में सबसे बड़ी अड़चन उनका छोटा कद था। कई बार कोशिशें की गई लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। सालों बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब अजीम मंसूरी ने बुशरा को अपनी बेगम तस्लीम कर लिया। कैराना के अजीम मंसूरी ने हापुड़ की बुशरा को अपनी निकाह में कबूल कर लिया और रब ने दोनों की जोड़ी बना दी। यूं तो अजीम मंसूरी का शादी का ये अरमान पुराना था, लेकिन इस बार उनकी शादी की तारीख 11 नवंबर तय हुई थी। लेकिन भीड़ से बचने के लिए अजीम मंसूरी अपनी दुल्हनिया को लेने 2 नवंबर को ही पहुंच गए। हालांकि इसके बावजूद इस स्पेशल शादी में लोगों की भीड़ कम नहीं हुई।